Hello students, how are you all? I hope you all are fine. Today we are going to start our moral science subject of 5th standard. Okay, for moral science subject हम 5th standard का start करेंगे. Chapter number 4, serve mankind. मतलब हमें किसी के लिए mankind मतलब अच्छा ही दिखाना चाहिए, किसी की मदद अगर मदद कर सके तो हमें मदद करना चाहिए, उस type का. ठीक है, तो देखो अभी देखो आपके सामने जैसे इंसान हो जिसको बहुत चोट लगी हो, खड़े नहीं रह पा रहा, तो हमें क्या करना चाहिए, उसे सीट देना चाहिए ना. प्लीज़ कम एंड हैव अ माय सीट, मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल. तो आप क्या करोगे कि आप मेरी जगह पे बैठे हो, आप अपने आप को कम्फर्टेबल फील कराओ, है ना. तो ये क्या होता है, एक इंसानियत होती है, एक अच्छाईपन होता है. ठीक है, अभी देखो जेन हेनरी ड्यूल्ट, ये एक स्टोरी है जेन हेनरी की. ठीक है, वो फाउंडर है रेड क्रॉस सोसाइटी का. He was born on 8 May को वो पैदा हुआ था. कब हुए थे, 8 May 1828 को, इन अ रिवॉल्व्ड फैमिली ऑफ स्विट्जरलैंड. स्विट्जरलैंड के फैमिली में वो पैदा हुए थे. इट वॉज वेरी सेंसिटिव सिंस हिज चाइल्डहुड. वो सेंसिटिव थे, अपने बचपन से ही बहुत सेंसिटिव थे, नाजुक थे. कैसे थे बच्चे वो, एकदम नाजुक. वन डे ही सॉ सम कंसर्व हु वेर शेड. दिस सेंस हैज हैड सच अ बैड इफेक्ट ऑन हिज ट्रेंड माइंड दैट ही बिगेन ड्रीमिंग अबाउट इट फॉर अ रेस्ट ऑफ हिज लाइफ. उसने ऐसा कुछ देखा जो उसके दिमाग पे एकदम बुरा असर पड़ा. उन्होंने कुछ ऐसा सीन देखा कि उनके दिमाग पे वो बहुत बुरा असर, गहरा असर पड़ा. वो हमेशा उनके सपनों में आने लगा. ठीक है, व्हेन जो हेनरी गेव अप ही सॉ द बैटल विच वॉज फाउंड बिटवीन. तो जैसे उन्होंने बड़े हुए तो उन ग्रू अप किए, मतलब ग्रू बड़े हुए, उन्होंने देखा बैटल फाइटिंग हुई थी किसके बीच में, तो फ्रेंच और इटली के बीच में. किसके बीच में बैटल हुआ था बच्चों, फ्रेंच और इटली. अबाउट 40,000 सोल्जर्स लॉस्ट देयर लाइफ, 40,000 से ज़्यादा जन ने अपनी लाइफ गंवा दी थी. एंड मैनी गॉट इंजर्ड, और बहुत सारे जन को चोट पहुँची थी. ठीक है, दे वेर लाइंग ऑन द ग्राउंड एंड दे वेर क्राइंग फॉर हेल्प. वो लोग क्या हो गए थे, अभी चोट लगी थी, वो लोग ज़मीन पर बिखरे पड़े थे और वो लोग हेल्प के लिए बुला रहे, मदद के लिए बुला रहे थे सबको. ठीक है, दे वेर लाइंग ऑन द ग्राउंड, दे वेर क्राइंग फॉर हेल्प, बट नो वन देयर टू हेल्प देम. वहाँ पर कोई नहीं था उनकी हेल्प करने के लिए. दिस फोर्स्ड हेनरी टू डू समथिंग फॉर द डाइंग सोल्जर. तो इससे उनको क्या इंस्पिरेशन मिली कि उनको कुछ करना चाहिए, जो लोग मर रहे उनके लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, वो सोल्जर्स के लिए कुछ करना चाहिए. ही रश टू अ नियर बाई विलेज एंड कन्वाइट द विलेज टू कम विद हिम फॉर द हेल्प ऑफ द सोल्जर. तो उन्होंने सबसे बातचीत की, कन्वर्सेशन किया और सबको विलेज, देखो वो पहले क्या किए कि आसपास के गांव में गए और उन्होंने उनसे बात किया, विलेजेस में गए, उनका बात किया और उनकी मदद के लिए कन्वे किया. ठीक है, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स जॉइंट हिम, बहुत सारे विलेजर्स उनको ज्वाइन किए. दे गिव देयर फिजिकल सपोर्ट, वो लोग ने फिजिकल सपोर्ट किया, पानी दिया, वाटर एंड मेडिसिन हेल्प टू द सोल्जर्स. बट द नंबर ऑफ द इंजर्स वॉज सो लार्ज दैट वेन एवर दे डिड नॉट एक्वायर्ड. देखो उन्होंने बहुत सारे जन ने उनकी हेल्प की, पानी दिया, मेडिसिन दिए, लेकिन क्या हुआ उनको, जो सोल्जर्स को जो चोट लगी थी वो बहुत गहरी चोट लगी थी, तो क्या हुआ वो ट्रीटमेंट उन्हें काम नहीं आया. हावेवर दे डिड नॉट डिड देयर बेस्ट, हावेवर दे डिड देयर बेस्ट, तो भी उन्होंने बहुत अपनी कोशिश की. जेरी हेनरी फॉर्म्ड अ रियल लाइफ सोसाइटी. तो जेनी रिलीफ में क्या किया, एक सोसाइटी बनाई जर्नीव में 1863 में. इट्स मेन पर्पस वॉज टू प्रोवाइड मेडिकल हेल्प टू द वॉन्डर्ड इन लॉ वॉर. देखो वो क्या ऐसी सोसाइटी बनाए जहाँ पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए जिन्हें बहुत चोट लगी हो झगड़ों के दौरान. ठीक है, ही फाउंडेड द इंटरनेशनल कमीशन, उन्होंने इंटरनेशनल कमीशन ऑफ रेड क्रॉस एट इंटर स्टेज वेर There were only 25 members in this organization. वहाँ पे कितने members थे बच्चों, 25 members थे जब उन्होंने जब starting में बनाया था. But all the members were decided to serve
द पीपल सेल्फलेसली, तो और वो क्या था, जो जितने भी मेंबर्स थे उन्होंने सेल्फलेसली मतलब खुद का सोचे बिना उनकी दूसरों की मदद करने का डिसाइड किया था। दे स्पेंड मनी फ्रॉम देयर पॉकेट टू हेल्प द इंजर्ड, और वो क्या करते थे, खुद के जेब में से पैसा खर्च करते थे और जिन्हें चोट लगा है उनकी हेल्प करते थे। इन 1864 कॉन्फ्रेंस द जर्मनी कन्वेंशन वॉज हेल्ड इन स्विट्जरलैंड, ये स्विट्जरलैंड में कन्वे हुआ था, तभी भी हेल्प की थी। 16 कंट्रीज पार्टिसिपेंट इन द कन्वेंशन, 16 कंट्री ने पार्टिसिपेशन किया था तब, ठीक है। दे फॉर्मुलेट सम रूल्स, उन लोग ने एक रूल्स बनाया था टू हेल्प द वंडर सोल्जर, जो जिन्हें चोट लगती उनकी हेल्प करने के लिए उन लोग ने रूल्स बनाए थे। अभी फाइटिंग में वॉर्स में जो जिन्हें जिन्हें चोट लगता है उनकी हेल्प करने के लिए उन लोगों ने क्या कानून बनाए थे। सर सम इम्पॉर्टेंट रूल्स वेर ऑल्सो फॉलोड, कौन से थे वो रूल्स बताए गए हैं, तो वंडर सोल्जर्स वुड बी ट्रिम्ड एज नीट। देखो अभी कौन से रूल, देखो सब सोल्जर्स को एक समान ट्रीटमेंट दी जाएगी। पीपल इंजर्ड इन द दैट ट्रीटमेंट वुड बी ट्रीटेड एज न्यूट्रल्स, मतलब सब जो जिसको जिसको चोट लगी है उनको इक्वल ट्रीट किया जाएगा। नो वुड बी अटैक द व्हीकल ब्रिंगिंग द सिंबल प्लस रेड क्रॉस, और उसमें क्या बताया गया था, जिस जो भी व्हीकल में प्लस का साइन होगा रेड क्रॉस का उस पर अटैक नहीं किया जाएगा। एंड हिंस द रेड क्रॉस सोसाइटी केम इन टू एग्जिस्ट, तो इसी तरह रेड क्रॉस सोसाइटी एग्जिस्ट में आई थी। जिस भी गाड़ी पर रेड कलर का निशान होगा रेड क्रॉस का तो उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, तो इसी तरह से क्या हुआ था, रेड क्रॉस सोसाइटी अस्तित्व में आई थी। द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी इम्प्रेस मैनी, देखो बहुत सारी चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ा है। अदर कंट्रीज एंड दे ऑल्सो फाउंड रेड क्रॉस सोसाइटी, देखो इनका असर बहुत सारी कंट्रीज पे भी पड़ा, तो उन्होंने भी रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई। बाय देम द वर्ड ऑफ द रेड क्रॉस सोसाइटी वॉज नॉट लिमिटेड ओनली टू द होल्ड वंडर सोल्जर, तो ये रेड क्रॉस वर्ड सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं लिमिटेड रह गया, ये वर्ड बहुत वास्टली फैल गया, अलग अलग जगह भी यूज़ करने लगा। इन बिगेन टू हेल्प द विक्टम ऑफ द नेचुरल एज वेल एज मैन मेड डिज़ास्टर, तो ये क्या है, सबकी मदद करने लगा, जैसे कि कुदरती तबाही हो उनकी भी, और जो इंसानी जैसे बम बम फोड़ते उससे भी जो नुकसान होता है उनकी भी वो हेल्प करने लगे। यानी जो देखो जिस नेचुरली क्लाइमेट जैसे बाढ़ वाड़ आता है उससे भी हेल्प करते थे, और क्या मैनमेड डिज़ास्टर होता था उनसे भी सबको बचाते थे। तो रेड क्रॉस वर्ड सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं रह गया, पूरे वर्ल्ड पूरे सबके लिए वो स्टार्ट कर दिया गया। नाउ अ डे रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प पीपल इन एडुकेशन एंड मेडिसिन ऑल्सो, अभी के टाइम में क्या होता है, रेड क्रॉस सोसाइटी पढ़ाई में भी मदद करती है और दवाई में भी मदद करती है। द रेड क्रॉस सोसाइटी रन होम फॉर हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन, और देखो रेड क्रॉस सोसाइटी क्या करती है, घर की व्यवस्था भी देती है हैंडीकैप चिल्ड्रन के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए जो खुद से अपना काम नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। इट टेक केयर ऑफ द पुअर रेस्ट ऑफ द पुअर इन वेरियस पुअर कंट्रीज, और ये जो गरीब होते हैं गरीबों की मदद करते हैं, जो खुद से अपना कुछ कर नहीं पाते हैं, जिसके पास इनकम नहीं होता है, जिसके पास खुद का प्रॉपर इनकम नहीं होता है, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते उनके भी हेल्प कर सकते हैं, हेल्प करते हैं। इट टेक केयर ऑफ द पुअरेस्ट, यानी गरीबों की मदद करते हैं अलग अलग कंट्रीज की, पुअर कंट्री की। द सोसाइटी प्रोवाइड देम, तो सोसाइटी किस तरह से हेल्प करती है, तो उन्हें एडुकेशन प्रोवाइड करती है, पढ़ाई प्रोवाइड करती है, खाना मेडिसिन फैसिलिटी और बहुत सारी चीज़ें। तो क्या हो गया, ये रेड क्रॉस सोसाइटी पहले सिर्फ सोल्जर्स के लिए बनाया गया था कि वॉर में जो सोल्जर्स घायल होते हैं उनको वहाँ पे ट्रीटमेंट फ्री में किया जाए, लेकिन धीरे धीरे वो क्या हुआ, सब कंट्री में एडॉप्ट किया गया, सब कंट्री में रेड क्रॉस की फैसिलिटी हो गई, तो उसमें क्या हुआ, पुअर चिल्ड्रन को हैंडीकैप चिल्ड्रन को सबको हेल्प प्रोवाइड किया गया, है ना। और ये रेड क्रॉस सोसाइटी मोस्टली एडुकेशन और सब फ्री एडुकेशन के लिए और मेडिसिन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है सब पुअर फैमिली वाले सबको, जो हैंडीकैप है, जो खुद से कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। वी आवर सेल्फ फील दैट व्हाट वी आर डूइंग इन जस्ट अ ड्रॉप इन अ ओशन, हमको क्या लगता है, हम फील कर सकते हैं कि हम ओशन में सिर्फ ड्रॉप की तरह काम कर सकते हैं, बूंद बूंद से सागर बनता वो तो सुना होगा, है ना। तो वी आवर सेल्फ फील दैट, हम अपने से फील कर सकते थे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक ओशन में ड्रॉप की तरह है। बट इफ़ द ड्रॉप वेर नॉट देयर, अगर वो बूंद ही नहीं रहेंगे, आई थिंक द ओशन वुड बी लेस बाई द मिसिंग ड्रॉप,
अभी समझो, अब आप बोल रहे हो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा योगदान कर रहे, लेकिन समझो अगर ओशन में एक भी बूंद नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो ओशन होगा नहीं होगा ना, बिना बूंद के पानी नहीं ओशन नहीं बनेगा ना, बूंद बूंद से सागर बनता है ना। जैसे हम थोड़ी थोड़ी मदद करेंगे तो ही कुछ होगा, अगर कोई भी मदद नहीं करेगा तो कुछ होगा नहीं होगा। इसलिए क्या हमें सबकी मदद करनी चाहिए भले ही थोड़ी हो। क्या करना चाहिए, अभी देखो बूंद बूंद से सागर बनता है वो तो आपने देखा ही होगा बच्चों, है ना, वेरी गुड, वो तो देखा ही है, बूंद बूंद से सागर बनता है। अगर बूंद ही नहीं होगा सागर में तो कुछ होगा नहीं ना। तो उसी तरह से हम छोटे से भी हेल्प कर सके तो हमें हेल्प करनी चाहिए किसी की भी, ठीक है बच्चों, ऐसा नहीं सोचना चाहिए इतनी सी हेल्प है ना बच्चों। चलो, डू नॉट वेट फॉर लीडर्स टू डू इट अलोन, पर्सन टू पर्सन बी फेथफुल इन अ स्मॉल थिंग बिकॉज इट इज इन देम दैट योर स्ट्रेंथ लाइन। देखो ऐसा नहीं सोचना चाहिए कोई आएगा कोई गाइडेंस प्रोवाइड करेगा तो ही हम कुछ करेंगे या फिर तो ही हम किसी की हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए, हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, है ना। तो इससे क्या होगा, आगे होता जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये स्टोरी से हमें क्या सीख मिलती है कि देखो पहले उसने खुद से सोचा, उसने एक रेड क्रॉस बनाया, पहले तो क्या किया उसने देखा, फिर बाद में क्या किया उसने, क्या किया सब सोल्जर्स की हेल्प की ना जो फाइट वॉर में घायल हुए थे, सब विलेजर्स को बुला के, फिर उसने खुद का एक रेड क्रॉस बनाया। वो किसकी पहले हेल्प करता था, जो वॉर जो सोल्जर्स वॉर में घायल होते थे उनकी हेल्प करते थे, है ना बच्चों। फिर बाद में धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड के कंट्री में बनाने लग, पूरे कंट्रीज़ में करने लगे हर जगह पे। फिर बाद में इसका एक सिंबल आया था रेड क्रॉस का, अभी कोई भी व्हीकल में रेड क्रॉस का साइन होगा उस पर कोई अटैक नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वो हॉस्पिटल की गाड़ी है, उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं ना। तो उसके क्या हुआ, उसके वो लाभों में आया गया ऑल ओवर वर्ल्ड में, है ना। फिर बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे ये रेड क्रॉस सबके लिए, सिर्फ सोल्जर्स के लिए नहीं रहा, सबके लिए रहा, पुअर चिल्ड्रन के लिए, हैंडीकैप बच्चों के लिए, पुअरेस्ट पीपल के लिए जो खुद का कुछ नहीं कर पाते थे उनको फ्री एडुकेशन प्रोवाइड की जाती थी, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती थी, है ना बच्चों। तो देखो इसका रेड क्रॉस का मतलब आपको समझ में आया, सिंबल का भी, हाँ वेरी गुड। और ये स्टोरी आपको समझ में आई, और क्या होता है बूंद बूंद से सागर बनता है, अगर बूंद ही नहीं रहेगा तो सागर बनेगा बच्चों नहीं। तो इसलिए हम जितनी हो सके उतनी दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, अगर हम हेल्प ही नहीं करेंगे तो सामने वाले का कुछ होगा नहीं, और कोई हमारी हेल्प करेगा नहीं। तो क्या करना चाहिए, जितनी हो सके हमें कोशिश करती रहना चाहिए, ठीक है बच्चों, वेरी गुड। तो देखो अभी इसने पूछा है, हु वॉज जेन हेनरी ड्यूल्स, वैन वॉज ही बॉर्न, देखो ये कौन था, तो ये कौन था बच्चों, एक लड़का था, है ना। ये देखो ये क्या था, फाउंडर था रेड क्रॉस सोसाइटी का। देखो फर्स्ट का आंसर क्या, रेंसन कौन था, फाउंडर था रेड क्रॉस सोसाइटी का। और ये कब पैदा हुआ था, 1828 में पैदा हुआ था, है ना बच्चों, वेरी गुड। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट फोकस हेनरी टू डू समथिंग फॉर द डाइंग सोल्जर, उसको ऐसा क्या हुआ कि वो सबके लिए करने लगा। तो देखो उसने देखा था सब वॉर, उसको एक बार सपना भी आया था वॉर का, फिर बाद में जब उसने देखा तो उसको अंदर से फील हुआ कि मुझे इनके लिए कुछ करना चाहिए, इनकी हेल्प करनी चाहिए, इनकी हेल्थ के लिए, तो उसने फिर फैसला लिया था। हाउ डिड सम ऑफ द विलेजर हेल्प हिम, वो थोड़े थोड़े गांव वालों ने उसको किस तरह से मदद किया था, तो थोड़े लोग ने उसको मेडिसिन की फैसिलिटी प्रोवाइड की थी, पानी, फिजिकल हेल्प किया था ना, हाँ। विच रिलीफ सोसाइटी डिड ही फाउंड, उसने कौन सी सोसाइटी बनाई थी, तो रेड क्रॉस सोसाइटी बनाई थी वो उसका। और वॉट वॉज इट मेन पर्पज़, और उसका मेन मकसद क्या था, तो उसका मेन मकसद था सोल्जर्स को ट्रीटमेंट करवा, जो सोल्जर्स वॉर में घायल होते हैं, इंजर्ड होते हैं, उनके ट्रीटमेंट करना, ठीक है, पहला तो मेन पर्पज़ यही था, ठीक है। राइट द रूल्स दैट वेर फॉर्म टू बी हेल्प द वंडर सोल्जर इन वॉरियर वॉर, तो पहले जो बना था, जो सोल्जर्स के लिए बना था, उसके कौन से रूल्स थे, तो देखो सोल्जर्स को पहले तो सबको एक समान ट्रीटमेंट देंगे, फिर वो इंजर्ड हो गए उसको भी इक्वल ट्रीटमेंट देंगे, है ना, फिर रेड क्रॉस का साइन होगा तो उनके अटैक नहीं होगा, ये 3 रूल्स बने थे। फिर इसी तरह से वो एग्जिस्ट में आया था, एग्जिट एग्जिस्ट, ठीक है। फिर बाद में क्या है,
हाउ डू रेड क्रॉस सोसाइटी हेल्प पीपल नाउ अ डे? अभी के टाइम में रेड क्रॉस सोसाइटी किस तरह से हेल्प करती है? तो अभी के टाइम पे देखो, पुअरेस्ट को हेल्प करती है, एडुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ना, एडुकेशन की, हेल्थ की, ये सब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, और हैंडीकैप बच्चों को भी पढ़ाती है, हैंडीकैप बच्चों को घर की फैसिलिटी देती है, स्कूलिंग की फैसिलिटी देती है, अभी के लिए ये सब करती है। ठीक है बच्चों, होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, है ना। इस चैप्टर से आपको क्या स्टोरी मिलती है? तो आपको ये समझ में आता है कि हमें जितना हो सके उतना हेल्प करना चाहिए, एटलीस्ट शुरुआत तो करनी चाहिए। शुरुआत करोगे तो ही तो किसी की हेल्प कर पाओगे, है ना, जैसे कि बूंद बूंद से सागर बनता है उस टाइप का। ठीक है, अगर एक बूंद भी नहीं होगा तो कुछ होगा नहीं, तो उसी तरह से हमें क्या करना चाहिए, एटलीस्ट स्टार्ट लेना चाहिए, किसी की हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप करोगे तो ही आगे जाके कुछ होगा, है ना बच्चों। तो होप आपको ये स्टोरी अच्छी भी लगी हो, आपको समझ में भी आया हो और आपको इससे कुछ नया सीखने मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग द वीडियो।